जहां एक तरफ पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुलग रहा है तो वहीं जनपद में रामलीला के नाम पर आदर्श नृत्य कला में जमकर अश्लीलता परोसी जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों को कुछ नहीं दिख रहा। आपको बताते चलें कि हरदोई जनपद में नुमाइश मैदान में हर साल रामलीला कमेटी की ओर से एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राम जी की बारात से लेकर रावण के वध सहित तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसी मेले में कोतवाली और रामलीला कमेटी के सामने एक आदर्श नृत्य कला के नाम पर एक डांस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर बालक बालिकाओं का अश्लील डांस होता है, जिस कारण महिलाओं और बच्चों की मानसिकता पर गलत फर्क पड़ रहा है। जब इस मामले को मीडिया ने संज्ञान में लिया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तत्काल नृत्य कला की जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे समाज पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। जो इसमें प्रदर्शन होता है, इस प्रदर्शन में जो बच्चे जाते हैं, औरतें जाती हैं, जो सब पीछे पुरुष बैठे हुए होते हैं, जिस तरीके की टीका टिप्पणी होती है आज के समाज में, हमारे लिए बहुत जो नई पीढ़ी है उसके लिए गलत जनादेश जा रहा है। आजकल हम लोग हर एंगल पर अपनी सभ्यता की बात कर रहे हैं। अगर हम अपनी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो कम से कम हम जागरूक व्यक्ति हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता दे रहे हैं जो ठीक नहीं है, और फिर हम कहें कि हमारे देश में सुधार होगा। इसलिए जो इसमें गाने और जो उसका कपड़े हैं, इसका पहनाव बहुत गलत है। इससे लड़कियां, जो लड़के, जो बच्चे हैं, जो देखने जाते हैं, उन पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारी जनरेशन पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी जो है, उसके लिए बहुत गलत प्रभाव जा रहा है, जिससे कि आगे समाज विघटित होगा, एकांकी जीवन जिएगा, क्योंकि जो नृत्य उसमें प्रदर्शित किया जा रहा है वो बहुत गलत है। अभी मेरी जानकारी में आपके द्वारा और कुछ लोगों ने और बताया कि इस तरीके का डांस का कार्यक्रम है, उसमें नाम आदर्श नृत्य कला प्रशिक्षण है और अंदर शायद अश्लील गानों पर नृत्य किया जाता है, जिससे कि माहौल बिगड़ रहा है। इस बारे में जानकारी ली जाएगी और अगर ये ऐसा हो रहा है तो उस पर हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए और रोका जाए। अभी इस संबंध में आपके द्वारा जानकारी दी गई है और ये चीज़ अब संज्ञानित हो गया। अब इसमें हम अभी मनोरंजन के जो सहायक कर आयुक्त मनोरंजन यहाँ पे वो और सिटी मजिस्ट्रेट के नाले मिला करके उसकी आज ही हम लोग जाँच करा लेंगे। उसकी विधिक स्थिति भी देख ली जाएगी और कोई भी प्रतिबंधित यदि कुछ ऐसी चीजें जिनका प्रसारण हो रहा होगा तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए हरदोई से सुनील मिश्रा की रिपोर्ट।